दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2018 में रिलीज हुई फिल्म माइल 22 की, जो कि मार्क वॉलबर्ग और इको वेस की एक काफी जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल नजर आता है जो कि शहर में आगे बढ़ता है और वो दोनों खो गए होते हैं और फिर दोनों क्रिसमस स्ट्रीट के एक घर के पास आकर रुकते हैं। असल में दोनों एजेंट्स होते हैं और दोनों नाटक कर रहे होते हैं और उनका नाम एलिस और सैम होता है और वो दोनों उस घर पर हमला करने आए होते हैं क्योंकि उनकी टीम ओवरवॉच को उस घर में रशियन एजेंट्स और सिसिनियम नाम के एक पदार्थ होने की खबर मिली थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और घर के दूसरी तरफ उनकी टीम के बाकी तीन मेंबर्स भी होते हैं जो कि उस घर पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। और ये पूरी टीम एक गोस्ट यानी कि काफी खुफिया एजेंट्स की टीम होती है जिनका लीडर जेम्स होता है और फिर उनके जनरल नजर आते हैं जिनका नाम बिशप होता है और वो घर पर ड्रोन से नजर रखे हुए होते हैं जिसमें वो सब जानकारी जेम्स को बताते हैं। और फिर एलिस घर का दरवाजा खटखटाती है और वहां मौका देखकर सैम घर पर स्मोक ग्रेनेड डाल देता है और वहां बाकी लोग दूसरी तरफ से भी घर में घुसते हैं और वहां अंदर जाकर पूरी टीम सभी लोगों को बंदी बना लेती है जिसमें उस घर में अंदर 5 लोगों को वो लोग पकड़ लेते हैं। और फिर उन लोगों को वहां पर एक तिजोरी और एक खुफिया रूम मिलता है जिसमें वो लोग वहां पर तिजोरी खोलने लगते हैं। और फिर एलिस ऊपर आती है जिसमें वहां बिशप उसे बताता है कि उसके सामने एक रूम में कोई तो है जिसमें वहां दीवाल है, ये एलिस बताती है। और तब बिशप को दिखता है कि कोई एलिस को मारने वाला है और वहीं पर एलिस पर हमला होता है लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है और इसी वजह से वो बच जाती है और वो दरवाजे के पार दूसरे आदमी को मार देती है। और इस चीज से अफरा तफरी में नीचे के रशियन एजेंट्स भी हमला कर देते हैं जिसमें बिशप एजेंट्स को सभी लोगों को मार देने कहता है और तब सभी एजेंट्स सबको मारने लगते हैं। और वहां से एक रशियन लड़का घर के बाहर भागता है जिसमें जेम्स उसके पास आता है और फिर वो उसे पकड़ लेता है जिसमें बिशप उसे मार देने कहता है और तब जेम्स उसे मार देता है। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं जिसमें वो लोग पूरे घर को उड़ा देते हैं और फिर मिशन खत्म होता है और ओवरवॉच की टीम अपनी कार में वहां से निकलती है जिसमें बिशप उन्हें रास्ता दिखाता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और न्यूज में इस हमले के लिए रशियंस को ही जिम्मेदार बताया जाता है और मरने वाले लड़के में जेम्स ने 18 साल के एक लड़के को मारा था और ये चीज जेम्स न्यूज में देखता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है। और फिर पूरी टीम के बारे में बताया जाता है जिसमें उनकी मेन जानकारी कोई भी डेटाबेस में नहीं होती, सिर्फ उनकी जानकारी चुनिंदा क्लासिफाइड फाइल्स में होती है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें जेम्स के बारे में बताया जाता है कि वो काफी बड़ी बड़ी जंग लड़ चुका होता है और वो 7 साल का था तभी वो काफी स्पेशल और स्मार्ट था, ये चीज पता चली थी। लेकिन वो काफी ज्यादा गुस्से में भी रहता था और इसी वजह से उसके हाथ में वो बैंड पहनता है जिससे उससे हमेशा वो खुद को मारता रहे और वो शांत होता रहता है। और फिर धीरे धीरे जेम्स बड़ा हुआ और उसने आर्मी में काफी बेहतरीन प्रदर्शन के बाद ओवरवॉच की टीम को ज्वाइन किया था जो कि काफी खुफिया एजेंसी मानी जाती है और वो लोग काफी बड़े बड़े सीक्रेट मिशंस करते हैं। और फिर 16 महीनों के बाद एक रेस्टोरेंट में जेम्स नजर आता है और वहां उनकी टीम के बाकी दो मेंबर्स आते हैं जिसमें जेम्स काफी भड़का हुआ होता है और वहां उसका साथी बताता है कि रशियंस के बेस से उन्हें मिले हुए सामान में कोई भी सीसीएमनियम नहीं था, उसमें सिर्फ उन्हें कुछ हथियार और कुछ फेक पेंटिंग्स मिली। और इस चीज से जेम्स भड़का हुआ होता है क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों की जान भी ली थी और ये सोर्स किसका था ये जेम्स पूछता है जिसमें सारा बताती है कि ये जानकारी एलिस के सोर्स ने दी थी। और इस चीज से जेम्स काफी भड़क जाता है। और फिर शहर के अमेरिकन एम्बेसी में हमें जेम्स नजर आता है और वो एलिस पर उसके सोर्स के गलत जानकारी देने के लिए भड़का हुआ होता है और वहाँ उनके काम में कभी कभी ऐसा होता रहता है, ये एलिस बताती है, लेकिन जेम्स उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और फिर वहाँ सारा आती है और ये लेडीज वॉशरूम है ये वो बताती है और तब जेम्स वहाँ से निकल जाता है। और फिर एजेंसी में एलिस और जेम्स आगे बढ़ते हैं और तब वहाँ एलिस को फोन आता है और तब जेम्स उससे बात करने कहता है और फिर एलिस अपने एक्स हस्बैंड से बात करती है जिसमें उसकी बात पीटर से होती है और एक्चुअल में पीटर ही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। और वहाँ एलिस पीटर को बताती है कि वो मदर्स डे पर उसकी बेटी के स्कूल पर नहीं आ पाएगी
और तब वहाँ पीटर एलिस की बात उसकी बेटी से करवाता है और वहाँ एलिस मदर्स डे पर नहीं आ सकती ये बताती है, जिसमें उसकी बेटी नाराज होती है और वो वहाँ से निकल जाती है। और तब पीटर बताता है कि वो अब अपनी बेटी से दूर जा रही है, जिसमें उसे यहाँ पर आना चाहिए। और वहाँ पीटर एलिस को घटिया माँ बुलाता है और तब एलिस भड़क जाती है और फिर उनकी बात खत्म होती है। और तब वहाँ जेम्स आकर एलिस को मीटिंग के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ एक रशियन एजेंसी में हमें जनरल वेरा नजर आती है और वो अपने आदमी को आगे बढ़ने कहती है और मिशन को शुरू करने कहती है, जिसमें उन लोगों के पास एक आदमी का प्रोफाइल होता है जिसका नाम ली होता है और फिर हमें ली आगे बढ़ते हुए नजर आता है। दूसरी तरफ एम्बेसी में जेम्स सभी लोगों को बताता है कि उन लोगों ने एक घर पर हमला किया और वहाँ के जासूसों के पास उसे सिसिनियम मिलने वाला था, लेकिन उनका सोर्स गलत साबित हुआ और उन्हें वहाँ से सिर्फ थोड़े से हथियार और फेक पेंटिंग्स मिली और ऐसी 6 जगहों पर सिसिनियम छुपा हुआ है और उन्हें उसे ढूंढना होगा, वरना उसके चलते शहर में काफी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी हमला हो सकता है। और तब वहाँ के जनरल जेम्स को ये काम खत्म करने कहते हैं, वरना काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, ये वो बताकर वहाँ से निकलते हैं। और वहाँ से एलिस आगे बढ़ती है, जो कि अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान है, ये चीज़ जेम्स समझ जाता है। और वहाँ एलिस काफ़ी दुखी होती है और तब जेम्स बोलता है कि उनका काम ही वैसा है, जिसमें उन लोगों को कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, लेकिन वहाँ एलिस भी इसी चीज़ से भड़की हुई होती है। और तब वहाँ जेम्स उसके काम की तारीफ करता है और तब वहाँ एलिस थोड़ी सी शांत होती है। और फिर ली रोड पर काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से गाड़ी चलाता है और वो अपनी गाड़ी को एम्बेसी के पास लाकर रुकाता है और फिर वो एक ड्राइव निकालता है जिसमें ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और वहाँ ली सरेंडर कर लेता है और वहाँ से उसे यूएस एम्बेसी में कैद किया जाता है, जिसमें ये चीज जनरल वेरा ऑनलाइन देखती है, जिसमें वो ली को मार देना चाहती है ऐसा लगता है। और फिर कैमरा में ली को एलिस देख लेती है और वो बताती है कि ये उसका खबरी है और उसने उन लोगों को रशियन बेस के बारे में बताया था, जिसमें उस पर भरोसा किया जा सकता है। और वहाँ एक आदमी बताता है कि उसके पास जो ड्राइव मिला है उसमें सिसिनियम की सभी जगह की लोकेशन छुपी हुई है और अगर उसे वहाँ से जिंदा निकाला गया तो वो उन लोकेशंस को बता देगा, ऐसा उसने कहा है। और फिर ली का ड्राइव देखा जाता है, जिसमें वो प्रोग्राम 8 घंटों में खुद से ही नष्ट होने वाला होता है और उसमें सभी सिसिनियम की लोकेशन होती है और उतने वक्त में उन लोगों को ली को अमेरिका रवाना करना होता है। और फिर एलिस ली के पास आती है और वो बताती है कि उसने आखिरी बार जो जानकारी दी वो झूठी निकली थी। और तब ली उसे वहां से निकलवाने कहता है क्योंकि उसे वहां पर खतरा है, ऐसा वो बताता है। और उसके पास पासवर्ड है जिससे वो ड्राइव को ओपन कर सकता है, जिससे उन लोगों को सिसिनियम मिल जाएगा। और तब वहां एलिस उसे लेकर जाने से मना करती है और तब ली उसे बताता है कि वो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उन लोगों को मिली हुई फेक पेंटिंग्स को वो अच्छे से देखने कहता है। और फिर उन पेंटिंग्स को देखा जाता है जिसमें से सिसिनियम मिलता है। कुछ देर बाद एम्बेसी में 2 लोग आते हैं, जो कि इनकोडर शहर के एम्बेसडर होते हैं और वहाँ वो लोग आकर वहाँ के अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना चाहते हैं। और तब एम्बेसडर आकर सभी लोगों को मीटिंग रूम में आने कहती है, जिसमें वहाँ जेम्स हाँ बोलता है। और फिर एम्बेसी में ली का लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, जिसमें उसके एजेंट होने के बारे में उसके पास जो भी जानकारी है वो सही हुई कि नहीं और उसके शहर से निकलने के बाद वो क्या पासवर्ड बता देगा, इस बारे में पूछा जाता है, जिसमें वो सभी चीज़ों का सही सही जवाब देता है। और फिर 2 लोग आकर ली को चेक करने जाते हैं, जिसमें ली को दोनों पर शक होता है और वहीं पर दोनों उसे मारने जाते हैं, लेकिन ली भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता और वो अपने कुंफू से दोनों को वहीं पर मार गिराता है। और फिर वहाँ वो दूसरों के आने का इंतज़ार करता है और फिर मेन ऑफिसर में एम्बेसडर ली को नहीं छोड़ सकते ये बताते हैं। और तब वहाँ दूसरे एम्बेसडर बोलते हैं कि ली एक छोटा सा गद्दार पुलिस ऑफिसर है, जिसमें उन लोगों को ली अपने कब्जे में चाहिए। और तब वहाँ जेम्स बताता है कि वो लोग जैसे तैसे ऑफिसर्स के लिए तो वहाँ पर आए गए नहीं। और तब वहाँ टोगो नाम का एक एम्बेसडर बताता है कि ली एक गद्दार है और वो उन्हें कोई भी हालत में चाहिए, जिसमें जेम्स बताता है कि वो लोग उसे नहीं छोड़ सकते। कुछ देर बाद ली के पास सारा ऑफिसर्स को लेकर आती है और इस बारे में एम्बेसडर को भी बताया जाता है, जिसमें दूसरे एम्बेसडर का इस चीज़ में कोई भी हाथ नहीं है, ये वो लोग बताते हैं। और तब वहाँ टोगो जेम्स को धमका कर निकल जाता है। कुछ देर बाद जेम्स आकर ली के वीडियोस देखता है, जिसमें वो समझ जाता है कि ये कोई मामूली ऑफिसर नहीं बल्कि एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड सैनिक है और उसे वहाँ से निकालना ही होगा, और इसलिए वो जनरल को ओवरवॉच की टीम को तैयार होने कहता है। कुछ देर बाद एक जगह पर काफी सारे लोग आते हैं
जो कि ओवरवॉच के बैठकर काम करने वाली टीम होती है, और वो लोग अपना सेटअप तैयार करते हैं और फिर बाकी फील्ड एजेंट्स भी आगे बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें सारा ओवरवॉच के इस मिशन के बारे में बताती है। दूसरी तरफ बिशप भी ली के बारे में अपने लोगों से बात करता है, जिसमें उन लोगों को ली को शहर की दूसरी तरफ एक छोटे से बंद खाली एयरपोर्ट पर लेकर जाना होता है, जिसमें दोनों तरफ टीमें तैयार होती है और सभी एजेंट्स तैयार होकर अपने पेपर साइन करते हैं, और अगर वो मारे गए तो उनकी जिम्मेदारी उनका देश नहीं उठाएगा, ये उसमें लिखा होता है। कुछ देर बाद ली को लेकर एम्बेसी से एजेंट्स निकलते हैं और वहाँ बिशप मिशन शुरू करता है, जिसमें ड्रोन से फील्ड एजेंट्स पर नज़र रखी जाती है, और वहाँ से जेम्स टीम के साथ आगे बढ़ता है और वहाँ तब बिशप उन्हें रास्ता दिखाता है और उसके हिसाब से जेम्स आगे निकलता है। और फिर जेम्स ली को पूछता है कि ये सब लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं, जिसमें ली बताता है कि इंडोकेयर की गवर्नमेंट ने उसकी फैमिली को मार दिया और अब वो उसे मारना चाहती है। और फिर आगे थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होता है और तब बिशप उन्हें रास्ता बदलने कहता है, जिसमें जेम्स रास्ता बदलता है और वहाँ बिशप की टीम सभी सिग्नल्स क्लियर करवा देती है और वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर कुछ बाइकर्स उन लोगों के पीछे आते हैं और फिर वो लोग गाड़ी के पास आते हैं और वहीं पर ओवरवॉच की पूरी सिस्टम बंद हो जाती है, और इस चीज़ से बिशप कंफ्यूज हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद सिस्टम अप होती है, जिसमें वो लोग कार के पास देखते हैं और उन्हें वहां पर कार के पास बाइकर्स ने लगाया हुआ एक बॉम्ब दिखता है, और वो बॉम्ब फटता है, जिसमें एक कार में दो एजेंट्स वहीं पर मारे जाते हैं और उसमें सारा भी घायल होती है। और तब बाइकर्स आगे आते हैं और वहां जेम्स और एलिस सैम के साथ मिलकर उन लोगों पर हमला करते हैं और वहां बाइकर्स उन लोगों पर बॉम्ब फेंकते हैं, जिसमें ली सेफ है ये जेम्स बताता है, और वहां से एलिस सारा को देखने जाती है जो कि काफी ज्यादा घायल होती है, और तब जेम्स वहां सबको मारने लगता है। और वहाँ बिशप उन लोगों के पास एक कार है और उसमें वो उन लोगों को भागने कहता है, और तब जेम्स आगे बढ़ता है और वो दुश्मनों को उड़ा देता है। और फिर वो भी सारा के पास आता है, जिसमें एक आदमी ली के पास आता है और ली उसे वहीं पर मार देता है, और उसके पास आने वाले लोगों को जेम्स भी मारने लगता है, और फिर सारा उन लोगों को वहाँ से निकलने कहती है, और वहीं पर सैम कार लेकर उनके पास आता है, और तब वहाँ से सभी लोग कार में बैठते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद कुछ गुंडे सारा के पास आते हैं और वहीं पर सारा ग्रेनेड ओपन करके ब्लास्ट में उन गुंडों के साथ मारी जाती है। कुछ देर बाद सैम गाड़ी को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, जिसमें वहाँ बिशप उन्हें एक सेफ हाउस पर जाने कहता है, और तब वहाँ से वो लोग गाड़ी को काफी तेजी से आगे बढ़ाते हैं और वो लोग एक रेस्टोरेंट के पीछे के रास्ते से अंदर गाड़ी पार्क करते हैं, जिसमें उस जगह को वो लोग चेक करते हैं। और फिर जेम्स आगे बढ़ता है और वो लोग सभी लोगों को देख रहे होते हैं, और वहाँ जेम्स को बाहर टोगो दिखता है, और तब जेम्स उसके पास आता है और वहाँ बिशप बताता है कि बाहर काफी सारे बाइकर्स आ गए, और तब जेम्स टोगो को बोलता है कि उन्होंने अमेरिकन टीम पर हमला किया है, जिसमें इस चीज से जंग भी हो सकती है। और तब वहाँ टोगो बोलता है कि उसके काफी सारे साथी मारे गए और वो और लोगों को मारना नहीं चाहता, जिसमें वो लोग ली को उनके हवाले करने कहता है। और तब जेम्स बोलता है कि वो लोग कोई भी रूल्स में नहीं मानते, और साथ ही वो लोग काफी बुरे हैं, और उससे वो जो हो सकता है वो उखाड़ने कहकर निकल जाता है। और फिर जेम्स रेस्टोरेंट में सभी लोगों को निकलने कहता है, और वहाँ वो आगे बढ़ता है, और वहीं पर एक धमाका होता है, जिसमें रेस्टोरेंट में काफ़ी सारे लोग घायल होते हैं, और वहाँ दो लड़कियाँ आगे बढ़ती है, जिसमें एलिस को सैम भी घायल दिखता है, और वो दो लड़कियाँ जेम्स को मारने चाहती है, और वहीं पर ली आता है, और फिर दोनों मिलकर उस लड़कियों से लड़ते हैं और दोनों उन्हें हरा देते हैं। और वहाँ पर बाहर से बाइकर्स आते हैं, तब जेम्स उन्हें मारने लगता है, और फिर वो लोग वहाँ से कार में भागते हैं, जिसमें सैम काफ़ी ज़्यादा घायल होता है, और जेम्स बिशप को रास्ता पूछता है, जिसमें बिशप उसे डायरेक्ट एयरपोर्ट जाने कहता है, और वहीं पर एक गाड़ी जेम्स की गाड़ी को ठोक देती है, और फिर वहाँ काफ़ी सारे बाइकर्स और दुश्मन आकर जमा होते हैं, और तब वहाँ से सैम सभी लोगों को निकलने कहता है, और वहाँ से ली को लेकर एलिस पास के एक अपार्टमेंट में घुसती है, और फिर जेम्स और सैम एक जगह पर आते हैं, और वहाँ जेम्स सैम को बाय बोलता है और वो भी अंदर जाता है, जिसमें सैम सभी लोगों को मारने लगता है, और वहाँ दुश्मन आगे बढ़ते हैं और सैम से कई लोगों के मरने के बाद वो लोग सैम को भी मार देते हैं, और ये चीज़ बिशप भी ड्रोन से देख लेता है, और फिर इस चीज़ से जेम्स दुखी होता है, और वहाँ बिशप उन्हें आगे का रास्ता अपार्टमेंट में जाने का दिखाता है, जिसमें सभी गुंडे के साथ टोगो भी उसी अपार्टमेंट में घुसते हैं, और फिर ओवरवॉच की टीम ऊपर जाती है, जिसमें गुंडे भी उनके पीछे ही होते हैं,
और वहाँ टोगो एक धमाका करवाता है जिसमें जेम्स और ली उनसे लड़ते हैं और एलिस एक कमरे में घुस जाती है और वहाँ बाहर गुंडे आते हैं और तब एलिस उन पर हमला करके बेडरूम में छुप जाती है जिसमें अंदर काफ़ी सारे गुंडे आ जाते हैं और बाहर जेम्स उन पर गोलियाँ चलाते चलाते आगे बढ़ता है और फिर बिशप बताता है कि एलिस मुसीबत में है और तब जेम्स ली को बोलता है कि उसे उसने लड़ते हुए देखा था और वो एलिस को ढूंढने में उसकी मदद करने कहता है जिसमें ली भी हाँ बोलता है और फिर वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं और दोनों मिलकर गुंडों को मारने लगते हैं जिसमें दूसरी तरफ एलिस रूम में धमाका करवाती है और वहाँ से वो दूसरे रूम में आ जाती है जिसमें वहाँ वो दुश्मनों को मारती है और उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसे वो वहीं पर छुपा देती है और फिर वो बाहर आती है और गुंडों को मारने लगती है और आगे बढ़ती है और वहाँ पर जेम्स और ली भी उसे ढूंढ रहे होते हैं और उनके सामने कुछ गुंडे आते हैं और तब दोनों मिलकर उन्हें मार देते हैं और फिर एक गुंडा एलिस के पास आता है और तब एलिस उस पर हमला करती है और वो उसे मारने लगती है और वहीं पर वो आदमी एलिस को पकड़कर उसका गला दबाकर उसे मारने चाहता है और वहीं पर ली आकर उस गुंडे को मार देता है और फिर तीनों वहां से निकलते हैं और तीनों बिल्डिंग के दूसरी तरफ से नीचे आते हैं और वहाँ से एक कार में बैठकर तीनों निकलते हैं और ये चीज़ टोगो भी देख लेता है और फिर बिशप उन लोगों को रास्ता दिखाता है और वहाँ जेम्स उसी तरह से आगे बढ़ता है और वहीं पर एक जगह पर उसके सामने टोगो गाड़ी लेकर आता है और तब जेम्स उसे मारने का इशारा करता है जिसमें बिशप ड्रोन से टोगो को वहीं पर उड़ा देता है और फिर जेम्स वहाँ से आगे बढ़ता है और वो एयरपोर्ट पर आता है और फिर जेम्स डायरेक्ट रनवे पर गाड़ी ले लेता है और वो प्लेन के पास आता है और वहाँ सब बाहर आते हैं और फिर जेम्स को ली पासवर्ड बता देता है और उससे वो लोग ड्राइव को ओपन कर लेते हैं और फिर उन लोगों को 5 सीसीनियम की लोकेशन मिल जाती है और फिर ली की जानकारी सच्ची होती है और इसी वजह से ली को प्लेन में भेजा जाता है और वहाँ एलिस उसे छोड़ने जाती है और वो बहुत ही जल्दी वापस आ जाएगी ये वो जेम्स को बताती है और फिर एलिस और ली अंदर जा रहे होते हैं और वहाँ ली जेम्स को उसकी माँ को हेलो बोलने कहता है जिसमें जेम्स को ये चीज़ समझती नहीं और वो कन्फ्यूज होता है और फिर ली अंदर चला जाता है और वो प्लेन वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ एक एजेंट बिशप को बताती है कि ली की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और फिर हमें रशियन जनरल वेरा नज़र आती है और वो अपने आदमी को काम खत्म करने कहती है जिसमें उसका आदमी वेरा के सामने ओवरवॉच की टीम के फोटोस रखता है और फिर ओवरवॉच की सारी सिस्टम हैक दिखती है जिसमें उनकी स्क्रीन पर एक लड़के का फोटो आता है और वहाँ पूरे का पूरा कोड रशियन में होता है जिसमें वहाँ बिशप समझ जाता है कि उन्होंने रशियन बेस पर हमला किया था और ये चीज़ उसी वजह से हो रही है जिसमें ली एक ट्रिपल एजेंट है और वो सभी लोगों को धोखा दे रहा है और वो एक रशियन एजेंट है और बिशप जेम्स को प्लेन को रोकने कहता है लेकिन तब तक प्लेन वहाँ से उठते हुए जेम्स देखता है और फिर ओवरवॉच की टीम पर हमला होता है जिसमें सभी लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है। कुछ दिनों के बाद जेम्स पर इंक्वायरी बैठती है और वहाँ वो ये पूरी कहानी सुनाता है और फिर वो बताता है कि उसने रशियन बेस में 18 साल के लड़के को मारा था जो कि असल में जनरल वेरा का बेटा था और इसी वजह से वेरा को ओवरवॉच की टीम को खत्म करना था और इसीलिए उन्होंने ली को वहाँ पर भेजा था जिससे सभी लोग उस पर भरोसा कर सकें और फिर उन्होंने इंडोकर की एजेंसी को ली के पीछे पड़वाया था जिससे ओवरवॉच की टीम उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना ही सामने आ जाए जिसमें एलिस अभी भी जिंदा है कि नहीं ये चीज़ उन्हें पता नहीं होती और बिशप वहाँ घायल हालत में सबको चकमा देकर बाहर आ चुका होता है जिसमें जेम्स और बिशप जिंदा होते हैं और एलिस के बारे में उन्हें पता करना होता है। कुछ महीनों के बाद जेम्स एक कमरे में होता है और वहाँ उसके सामने ली की फोटो होती है और वो अपनी टीम का बदला लेकर रहेगा ये बताता है और इसी के साथ ये फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।